हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बुसा सिद्दीकी, कैसे हैं हम सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो को ज्वेलरी सेट्स एंड इयररिंग्स है। इसमें रिंग है, बहुत ढेर सारा अच्छा कलेक्शन है। तो इसमें कुछ मैंने ज्यादातर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इसमें ऐड किया, क्योंकि मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसे ड्रेसेस पे भी अगर हम लोग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब आजकल ट्रेंड में भी है, फैशन में भी, तो जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने अमेजोन से कुछ ज्वेलरी मंगाई है। गोल्ड एंड ऑक्सीडाइज सिल्वर, सब पूरा कॉम्बिनेशन एक आपको हॉल मिलेगा। तो इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हैं तो वहां से परचेस कर सकते हैं। और इन सबके प्राइस भी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी नीचे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी ज्वेलरी कितने की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। और इसमें मैंने कुछ 7-8 ज्वेलरी सेट्स हैं, ये कुछ इस तरह के बॉक्सेस मुझे रिसीव हुए हैं। तो मैंने इसमें कुछ ओपन कर लिए हैं, कुछ अभी नहीं किए हैं, जो एक दो अभी आज रिसीव हुए हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जा रहा है मेरे यहाँ पे डिलीवर में, तो इसलिए थोड़ा सा वो जा रहा है, मुझे एक एक इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो 2-3 ज्वेलरी अभी और भी है जो काफी लेट दिखा रही, तो मैंने कहा इतना ज्यादा लेट हो जाएगा वीडियो बनाने में फिर, तो इस वजह से मैंने इतनी ही ज्वेलरी का हॉल कर दिया। वो नेक्स्ट कुछ सी वीडियो में आपको शो कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है, ये बैंगल है, गोल्ड कलर के बैंगल हैं। तो इस तरह का पेयर आया है, टू पेयर है इसमें, आई थिंक 300 कुछ का है। तो ये है गोल्ड प्लेटेड आपका बैंगल है। अगर आप इसे डेली वेयर करेंगे तो इसकी पॉलिश वगैरह नहीं जाएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा डिजाइन लगा इस तरह का। तो इसमें आप दो पेयर है, अगर आप चार लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने साइज के, वो 2.4 साइज है मेरा, तो उसके साइज के मैंने यहाँ पे ये दो बैंगल्स मंगाए जो मुझे अच्छे लगते हैं। काफी लाइट वेट है, तो डेली पहनने के लिए इस तरह से आप मंगा सकते हैं। जैसे आप चूड़ियां वगैरह नहीं पहनना चाहते हैं, कांच की चूड़ियां, तो इस तरह से आप डेली में इस तरह का गोल्ड बैंगल इस तरह से पहन सकते हैं। डेली यूज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो काफी लेट काफी लाइट वेट है, तो इसमें आपको पहनने में भी काफी ज्यादा हल्का लगेगा और काफी कंफर्टेबल है। तो कहीं से मतलब चुभने का या दुपट्टे में फंसने का कोई चांस नहीं, एकदम मतलब एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी है और कहीं भी आपका ये फंसेगा नहीं कपड़ों पे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फर्स्ट है ये मेरे इस गोल्ड कलर के बैंगल्स, एंड सेकंड मैंने इसी तरह का गोल्ड कलर की मैंने मंगाई है एक रिंग। ये मैंने शायद किसी वीडियो में शो की है कि नहीं, मतलब कि मैंने अमेजोन से मंगाई है। आई थिंक ये जावेरी पर्ल्स की ये रिंग है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की ये रिंग है। अगर जैसे आपने कोई शादी पार्टी में एक रिंग ही ऐसे डाली तो ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरह के ड्रेसेस में भी बहुत अच्छी लगती है, आपका पूरा हाथ ना पूरा फुल हो जाता है। तो और कोई रिंग वगैरह पहनने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक रिंग से आपका काम चल जाता है। तो काफी अच्छी क्वालिटी निकली, मुझे काफी टाइम से मैं इसको यूज करूं लेकिन इसकी पॉलिश वगैरह नहीं गई है। तो इस तरह का बीच में इससे गोल्ड कलर की लीव्स बनी है और साइड साइड में पूरी ये सिल्वर कलर की मोतियां लगी हुई है इस तरह की। तो बहुत प्यारी खूबसूरत रिंग है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं। तो ये थी मेरी सेकेंड रिंग। और नेक्स्ट वन है, तो ये क्या आया है, मैंने खोला था। हाँ, तो ये है सिल्वर ऑक्सीडाइज बैंगल है। तो इसमें मैंने पेयर ऑफ टू मंगाया, इसमें आई थिंक वन पेयर भी आप एक मंगा सकते हैं, लेकिन मैंने टू यहाँ पे मंगाया है, दो का सेट है और बहुत प्यारा सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ये है। तो इस तरह का ये सिल्वर कलर का ब्रेसलेट है और यहाँ ऊपर सही ऊपर से ही ओपन हो जाता है, तो इस तरह से बहुत प्यारा खूबसूरत लगता है। तो ये आप इंडियन वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस में आप इस तरह से इस ब्रेसलेट को आप वेयर कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह से ये, और काफी अच्छी फिनिशिंग है, मतलब ऐसा मैंने इसमें यहाँ पे डाला तो इसे चुभने वाला नहीं है यहाँ पे।
काफी अच्छी फिनिशिंग है और देखने में भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं हम। और इसकी डिजाइन वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये मुझे सच में मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें मैंने दो पेयर मंगाया हुआ है, तो आप दोनों भी एक एक हाथ में पहन सकते हैं, या फिर आपने जीन्स टॉप पहना है जैसे, तो आपने एक हाथ में अपने ब्रेसलेट पहन लिया और एक हाथ में अपने वॉच लगा ली, बहुत अच्छा लुक लगेगा। और शादी में ऐसे कोई हैवी ड्रेस पहना तो आपने दोनों बीच में डाला, साइड साइड में चूड़ियां डाली, तो ये बहुत अच्छा लुक लगेगा। तो इस तरह का ये पेयर ऑफ टू आया है, ऑक्सीडाइज का ब्रेसलेट बैंगल जो भी आप कह लो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट वन है, इसमें मैंने मंगाया है, ये है गोल्ड कलर का, कह सकते हैं साड़ी पे जो कमर बंद बांधते हैं लगाते हैं वो है। तो इस तरह से मुझे रिसीव हुआ था, काफी अच्छी क्वालिटी इसकी लगी, मैंने खोल के देख लिया था। तो यस, ये है गोल्ड कलर की, मुझे साड़ी वड़ी पे ना पहनते लोग बहुत अच्छा लगता है और काफी अच्छी लगी मुझे ये क्वालिटी, देखें। तो ये ऐसा गोल्ड कलर है, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं पिंकिश टोन में, नहीं तो आप हर तरह की साड़ी पे भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो काफी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इस तरह की, आप पास से देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग है और पर्ल वगैरह सारा में बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप इस तरह का कोई साड़ी पे पहनना चाहते हैं, इस तरह से कोई सिंपल सी साड़ी है ना, तो उस पर इस तरह का अगर आपने कुछ सिंपल सा, कुछ हैवी नहीं है, ज्यादा सिंपल सा है, अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सिंपल सा लुक आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये मंगा लिया, जैसा दिख रहा था सेम वैसे ही क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। तो ये मुझे साड़ी पे पहनने के लिए, कमर बंद आई थिंक बोलते हैं इसको, तो ये मैंने साड़ी पे पहनने के लिए मंगाया है। तो इसमें आर्ची कलेक्शन की तरफ से है, ये आर्ची कलेक्शन ब्रांड का है, तो उससे भी अगर अमेजोन पे इसमें आओ, काफी मतलब इसमें अच्छा कलेक्शन है उनका। तो इसकी ये है मेरा साड़ी पे पहनने के लिए। तो नेक्स्ट मैंने ये, मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा था, मैंने काफी लोगों को देखा मन हो रहा था मंगाने का, तो इस तरह के बॉक्स में मुझे ये रिसीव हुआ। तो ये है मास्क में जो नहीं लगाते हैं, इस तरह का मास्क मैं दिखाती हूँ, ये जैसे मास्क है, ये मास्क में मैंने यहाँ पे इसको ये लगाया, तो अब जैसे निकाले तो निकाल के हाथ में पकड़ लिया या फिर ऐसे नीचे करना, तो ऐसे ना करके हम लोग, एक मिनट आपको लगा के दिखा देते हैं, इस तरह से मास्क में आप इसको वेयर करें और फिर आराम से नेक के एरिया में आप डाल ले, तो आराम से आपके पास आपका इधर उधर मास्क नहीं होगा ना, तो ये सही है। आपने जैसे इस तरह से लगाया, और ये जो है ये पीछे रहेगा आपका ऐसे, तो ऐसे रहता है। अभी मैंने सही से लगाया नहीं है, तो आपने जैसे मास्क लगाया और फिर उसके बाद आपने निकाला, तो आपको ऐसे नेक पे ही रहेगा, इस तरह से कहीं जाएगा नहीं और खोएगा भी नहीं, इधर उधर आपने जैसे रख दिया भूल गए, काफी बार हो जाता है कहीं गिर गया, तो इस तरह से ये इसका चेन है और काफी अच्छा है, गोल्ड कलर का है, व्हाइट कलर का, इसमें पर्ल लगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने एक मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यूज भी कर लिया एक दो बार, तो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अगर इस तरह का अगर आपको सिंपल सोवर सा ढूंढे हैं तो आप इसके साथ जा सकते, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये है मेरा मास्क के लिए। और नेक्स्ट वन है मेरा इस तरह का, बहुत प्यारा खूबसूरत सा, इसको मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी, मीशो पे भी था, आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मीशो पे जब मैंने देखा था, तो फिर मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो वहां मुझे मिल गया। तो इस तरह के ये इसमें मुझे बॉक्स बहुत प्यारा सा रिसीव हुआ, इस तरह के बॉक्स रहते हैं तो ज्वेलरी मतलब कहीं भी ले जाने में बहुत ज्यादा इजी रहता, आपने यूज किया और उसी बॉक्स में आपने इसे आराम से रख दिया, तो काफी टाइम तक, अच्छे टाइम तक चलती है। तो ये है पूरा सेट है, यहाँ पे नेकलेस है, इयररिंग्स इसके साथ है, मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये है कुछ इस तरह का ऑक्सीडाइज सेट, बहुत प्यारा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से आपने यहाँ पे किसी भी ड्रेस के साथ वेस्टर्न, ये जैसे ज्वेलरी होती है ना, आप किसी भी साड़ी वेस्टर्न इंडियन किसी भी ड्रेस के साथ आप इस तरह का ज्वेलरी मिसमैच करके पहन सकते हो, बहुत खूबसूरत
अलग ही लुक लगता है, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और इसके साथ ये प्यारे से ब्यूटीफुल से इयररिंग्स रिसीव हुए, तो आप जैसे कभी ऐसे बर्थडे पार्टी वगैरह में जा रहे नेकलेस नहीं पहनना चाहते तो इस तरह का इयररिंग्स भी आप खाली पहन सकते हैं। तो ये इयररिंग्स का डिजाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, काफी अच्छा छोटा सा है, तो आप इन्हें भी खाली डाल सकते हैं नेकलेस अगर नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये सेट भी मुझे बहुत प्यारा लगा, तो सारी ज्वेलरी मैंने देख के बहुत ही ज्यादा सर्च करके मैंने मंगाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे, और वीडियो फुल वॉच करिएगा क्योंकि मैं यहाँ इस वीडियो में लास्ट में या कहीं भी विनर अनाउंसमेंट करूंगी कि गिव अवे में कौन से विनर है मेरे। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं नेक्स्ट वन है मेरा, ये है, ये मेरा गोल्ड कलर का ब्रेसलेट है। और सच बताएं इसकी, इसको भी काफी टाइम मैंने यूज किया और इसकी पॉलिश आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है ना पहनने पे लिए लगता है रियल गोल्ड का है। और प्रयासी ब्रांड है, जैसे आपको मिंत्रा पे फ्लिपकार्ट पे हर साइट पे आपको ये ब्रांड मिल जाएगा, और अमेजोन पे भी आपकी इसकी काफी अच्छा कलेक्शन है इस ज्वेलरी का। तो ये है पूरा इस तरह का ब्रेसलेट है, बहुत खूबसूरत है यकीन माने, थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा था, आई थिंक 1500 का था ये। अभी दिखाते हैं इसको, और लेकिन इसकी पॉलिश और इसका जो है डिजाइन से पॉलिश नहीं गए, क्योंकि ज्वेलरी अगर आप सस्ती ले रहे हैं वो फिर कुछ टाइम बाद ना ब्लैक पड़ने लगती, लेकिन ये ब्रेसलेट सेम वैसा है का वैसा, वैसे ही इसकी शाइन है, जरा सा भी ब्लैक नहीं हुआ कहीं से। और काफी देर तक जैसे मैंने वेयर करा हुआ, गर्मियों में पसीना वगैरह होता है ना तो उसमें ज्वेलरी बहुत खराब हो जाती है इसकी पॉलिश। तो महंगी ज्वेलरी लेने का थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि काफी टाइम तक वो चलती है और खराब नहीं होती, ब्लैक नहीं पड़ती, उसकी पॉलिश वगैरह बहुत अच्छी रहती है। और गोल्ड प्लेटेड होता है तो बहुत अच्छा रहता है, एकदम लगता है गोल्ड का आपने ब्रेसलेट पहना है। तो ये इस तरह का ब्रेसलेट है, बहुत खूबसूरत ना, तो इसको भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने मेरा दिखा दे नेक्स्ट है मेरा कुछ इस तरह का, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको भी मैं मीशो पे भी मैंने देखा था और लेकिन अमेजोन से मैंने ऑर्डर कर दिया था तो फिर इसलिए मीशो पे मैंने नहीं मंगाया। तो ये है इस तरह के बॉक्स में, पिंक कलर के बॉक्स में मुझे ये दो पेयर रिसीव हुए हैं इस तरह से, और ये बहुत खूबसूरत से है सेट, टू पेयर सेट है बैंगल का। ये बहुत आजकल बहुत टाइम से मैं सोच रही, पर मैंने लिया नहीं था पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने इस बार फाइनली परचेज कर लिया अमेजोन से। तो इस तरह का ब्रेसलेट है, बहुत खूबसूरत है, साड़ी सूट एंड किसी भी ड्रेस पे आप इस तरह का ज्वेलरी है ना आप वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो, यहाँ पे आपको दो पेयर मिल जाते हैं इस तरह से। तो इसमें मतलब थोड़ी आवाज भी आ रही है, तो इस तरह से बहुत प्यारी लगी मुझे ऑक्सीडाइज के कट, क्या बोलते हैं बैंगल। और आप किसी भी ड्रेस वगैरह पे भी इसको पहन सकते हैं, मतलब एक एक पहन सकते हैं, साड़ी पे जैसे हैं तो मैं हम लोग ज्यादातर दोनों हाथों में डाल लेते हैं, बैंगल्स में भी देखे हैं अगर बीच में डाले तो नॉट अ बैड आइडिया। तो इस तरह से भी देखें आप, जैसे मैंने यहाँ पे ये बैंगल्स पहनी हुई हैं तो चूड़ियां पहनी है तो इनके बीच में भी आप इस तरह से पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे अगर आप एक हाथ में भी खाली पहनना चाहते हैं तो इस तरह से पहन सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप जैसा मन करे आपका वैसे स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्वेलरी है आप किसी भी तरह से मिस मैच करके पहन सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल से इनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, मुझे बहुत प्यारे लगे ये, बहुत इस हॉल में मुझे ये और मेरा एक और भी सेट दिखेंगे, मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये दो चीज, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली। तो ये इनके साथ भी आप जा सकते हैं। और इसके बाद लास्ट ज्वेलरी मेरी है, जो मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे इसी ड्रेस के साथ मैंने वेयर की थी, रील बनाई थी, तो उसमें भी बहुत खूबसूरत इस ड्रेस के साथ भी मेरा बहुत अच्छा सा वो जा रहा था सेट। तो कुछ इस तरह का ये सेट है, मैंने इसको एक बार वेयर भी कर लिया क्योंकि इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत सेट है। तो ये है पूरा सेट, आपको इसके साथ इयररिंग्स एंड नेकलेस मोरा रिसीव होता है। तो ये है प्यारा सा सेट है जो मैंने अभी पहना भी है, इंस्टा पे रील आप लोग ने देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि मैंने शादी में एक पहना था। तो ये है प्यारा सा नेकलेस है,
ऑक्सीडाइज है, यहाँ पे पिंक कलर के स्टोन लगे हुए हैं और नीचे व्हाइट कलर की पर्ल लगी हुई है। बहुत खूबसूरत सा सिंपल सा सेट है। और इसके साथ आपको इयररिंग्स और दो है भाई, मैंने कहा काम नहीं, तो इसके साथ आपको ये टू इयररिंग्स मिल जा रही है प्यारी सी। तो इस तरह से जैसे ये इयररिंग्स होती है ना, तो आप खाली सूट पे, जैसे सूट वूट पहना है कोई सिंपल सा, तो उस पर खाली अगर आप नेकलेस नहीं पहनना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारी लगेंगी। तो ये है प्यारा सा सेट, मुझे सजबता पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत सा सेट है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा ज्वेलरी अमेजोन ज्वेलरी हॉल। तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा ये हॉल कैसा लगा। और इन ज्वेलरी सेट्स में या फिर बैंगल्स में अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप इन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट अनाउंसमेंट कर देते हैं। मेरे जो गिव अवे मैंने रखा था, आई थिंक ईद में रखा था, पर ईद में नहीं हो पाया था क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टाइम नहीं होता, बहुत और भी बहुत सारे मेरे काम हैं जो मुझे करने होते हैं टाइम पे, तो उनको और फिर इधर वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना, ये करना बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा हो जाता। आप लोग समझा करें कि गिव अवे किया था, अनाउंस नहीं किया, ये वो। तो चलिए अभी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग भी कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ अब मेरा वीडियो है शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए मैं अगर आगे बढ़ती हूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम भी मतलब आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकेंगे, और अच्छे से मतलब जो भी अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं, काफी अच्छे अच्छे कॉस्टली महंगे गिफ्ट भी दे सकेंगे आप लोगों को। तो ऐसा नहीं कि खाली मैं ही आगे बढ़ूंगी आप लोगों का, नहीं ऐसा नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी कितने सारे विनर मतलब अनाउंसमेंट किए हैं, गिव अवे किए हैं, अभी फिर मैं तीन अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। तो अगर आपको जैसे ये जो तीन मैं नाम लेने जा रही हूँ, आप लोग इसमें अपना एड्रेस और पिन कोड और फोन नंबर वगैरह, जिस एड्रेस पे आप अपने कुरियर मंगाते हो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज करिएगा पर्सनली, ठीक है। और उसके बाद क्या करना था, हाँ, और अगर आपको और उसमें से मेरे क्या पसंद है आपको जैसे कुछ है तो वो मीशो से मैं आपके लिए वहां से ऑर्डर कर दूंगी, वो आपको घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें मेरी सबसे फर्स्ट विनर है मेरी सीमा कुमारी, वो मेरी बहुत प्यारी सी और बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, आई थिंक बहुत टाइम से है, जब से मैंने 2-3-4-5 वीडियो अपलोड किए थे उस तब से है मेरे साथ। तो आप पहली मेरी विनर है, आप अपना नाम सुन ले, सीमा कुमारी, मेरी इंस्टा के पे भी काफी एक्टिव रहती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी हैं, तो वो उनका फर्स्ट विनर वो है। एंड सेकंड विनर है समिता राजपूत सेकंड विनर है, और आप भी बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, तो बहुत ही ढेर सारा आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, सबके लिए बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और लास्ट है, तो उनका नाम मुझे नहीं पता, इंस्टा पे मी शेरनी करके आपका आईडी है, और आपका नाम क्या है मैंने पूछा भी था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन आपका अभी तक मैसेज नहीं आया, तो आप अपना नाम क्या है वो बता दीजिएगा मुझे रियल में। यहाँ पे आपकी आईडी है मी शेरनी करके, तो मैंने वही नाम यहाँ पे ले लिया, आप रियल नाम आपका क्या है वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये तीन मेरे विनर हैं और गिव अवे के लिए, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो फुल वॉच करें, और काफी अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, और उनसे कहें कि वो अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो वो जैसे एक दूसरे के साथ करते रहेंगे तो काफी जल्दी मेरा 1000 हो जाएगा और मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट एंड सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी अपने चैनल पे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कि अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।